सड़क सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कार में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए अब सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि अगर कार में आगे या पीछे बैठी सवारी सीट बेल्ट नहीं लगाएगी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह कार में आगे बैठे पैसेंजर की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजता है, ऐसा ही सिस्टम अब पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए भी होगा। इसके लिए कार कंपनियों को निर्देश दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने ये भी साफ किया कि सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना लेने का मकसद जागरूकता फैलाने से है। उन्होंने कहा कि 2024 तक सड़क हादसों में 50% की कमी लाने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि नियमों के अनुसार भारत में फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए एयरबैग अनिवार्य है। सरकार ने प्रत्येक नई यात्री कार में 8 पैसेंजर के साथ 6 एयरबैग लगाना कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा कार चालक और सवारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वाहन निर्माताओं के लिए पिछली सीट की सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली को जरूरी करने की योजना बना रही है। फिलहाल वाहन निर्माताओं के लिए केवल आगे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर देना जरूरी है। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNN।